हाय फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक है फीचर एक्सट्रैक्शन वर्सेस फीचर सिलेक्शन। ये वीडियो इन कंटिन्यूएशन है, इसके जस्ट पहले हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको फीचर सिलेक्शन का वीडियो दिखेगा। फीचर एक्सट्रैक्शन एंड फीचर सिलेक्शन दो टेक्निक्स है आपके नंबर ऑफ फीचर्स को कम करने के, डायमेंशनलिटी को कम करने के। सो डायमेंशनलिटी रिडक्शन में ये दो चीज़ें आ जाती हैं, सिलेक्शन एंड एक्सट्रैक्शन। नाउ इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फीचर एक्सट्रैक्शन के। फीचर एक्सट्रैक्शन के जो अल्गोज होते हैं ना, वो दो किस्म के होते हैं, लीनियर एंड नॉन लीनियर। हमने केवल अपना फोकस रखना है लीनियर पर, बिकॉज वो ज़्यादातर कॉमनली यूज होता है। अंडर लीनियर कुछ टेक्निक्स हैं लाइक PCA एंड LDA। हमने केवल बात करनी है PCA के बारे में इस वीडियो में, प्रिंसिपल कॉम्पोनेंट एनालिसिस। क्यों? बिकॉज दिस इज अगेन मोस्ट कॉमनली यूज्ड। नाउ ये दोनों, एक बात और मैं दोहराना चाहता हूँ एक बार और इस वीडियो में, कि ये दोनों जो टेक्निक्स हैं आते हैं डायमेंशनलिटी रिडक्शन में। डायमेंशनलिटी मतलब फीचर्स, क्यों कम करना है इनको? क्योंकि हम हमेशा इस भ्रम में रहते हैं, इस मिथ में रहते हैं कि जितने ज़्यादा फीचर्स होंगे उतना ML मॉडल बेटर परफॉर्म करेगा। एक्चुअली नो, ML मॉडल बेटर परफॉर्म कब करता है? जब आपके पास N रोज या सैम्पल्स, वो जितने ज़्यादा हो उतने बेटर। P जो होते हैं हमारे कॉलम्स या फीचर्स, वो जितने कम हो, मैं ऐसा नहीं कहूँगा, लेकिन अप्रोप्रिएट हो। यूजुअली हम कहते हैं कि आई हैव गॉट अ लार्ज डेटा सेट। नेक्स्ट टाइम जब आपको कोई ये कहे ना कि आपके पास लार्ज डेटा सेट है, तो आप वेरीफाई कर लेना कि ये लार्ज डेटा सेट किसके वजह से है। इज इट बिकॉज ऑफ लार्ज एन एंड स्मॉल पी, देन दिस इज अ गुड डेटा सेट फॉर यू। अगर आपका एन लार्ज है और पी छोटा है, तो दिस इज अ गुड डेटा सेट फॉर यू। वाइस वर्सा, ये डेटा सेट भी तो लार्ज ही हुआ। अगर आपका एन कम है और पी ज्यादा है, तभी भी डेटा सेट लार्ज ही माना जाएगा। इट्स वेरी सिंपल, आप 1000 रोज इंटू 10 कॉलम्स कीजिए, 10,000 फील्ड्स आपके पास आए। वाइस वर्सा, आप कहिए कि आपके पास 100 रोज है, केवल 100 रोज है, लेकिन 1000 कॉलम्स है हर रो में, तो भी डेटा सेट लार्ज ही हो गया। लेकिन ऐसे डेटा सेट जहां रोज कम है और कॉलम्स बहुत ज्यादा है, दिस इज अ बैड डेटा सेट। तो गुड डेटा सेट तो हमें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन बैड डेटा सेट है तो फीचर सिलेक्शन या फीचर एक्सट्रैक्शन से हम उसको गुड बना सकते हैं। अब गुड कैसे बनाएंगे, चलिए समझते हैं। और मैंने ये प्रीवियस वीडियो में बताया था, वापस दोहरा रहा हूँ, कि कर्व्स ऑफ डायमेंशनलिटी का मतलब होता है कि जब आपके पास फीचर्स बहुत ज़्यादा हो, तो आपका परफॉर्मेंस मेट्रिक ML मॉडल का डेफिनेटली कम होगा। सो दिस इज कॉल्ड एज कर्व्स ऑफ डायमेंशनलिटी, मीन्स कर्व्स ऑफ हैविंग टू मेनी फीचर्स। ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड प्रिंसिपल कॉम्पोनेंट एनालिसिस। अब इसको समझने के लिए हम एक मान के चलते हैं कि आपके पास सपोजिटली एक डेटा सेट में 10 कॉलम्स है, 10 फीचर्स है, 10 इनपुट फीचर्स है आपके। PCA क्या करता है, वो बेसिकली वेटेड एवरेज का मैथमेटिकल फॉर्मूला लगाकर एक न्यू फीचर बनाता है NF1, जिसमें मैक्सिमम वेट उसने F1 को दिया है और रिलेटिवली कम वेट उसने दिया है F2 से लेकर F10 तक। सिमिलरली जो नेक्स्ट फीचर बनेगा, नेक्स्ट न्यू फीचर NF2, इसमें मैक्सिमम वेटेज होगा F2 का और रिलेटिवली कम वेट होगा F1 से लेकर F10 तक का, एक्सेप्ट F2। F2 का हाई वेट होगा, उसको छोड़ के F1 से लेकर F10 तक सबका कम वेट होगा। श्योर आपने गेस कर लिया होगा। फ्लो करते करते जो लास्ट नया फीचर बनेगा वो होगा NF10। बताइए उसमें हाईएस्ट वेट किसका होगा? सही कहा, उसमें हाईएस्ट वेट होगा F10 का। F1 से लेकर F9 रिलेटिवली कम वेट हो गए। अब इन पैरामीटर्स को PCA क्या करता है, इनको वो चेंज करता है अपने रिस्पेक्टिव वैल्यू से। सपोजिडली इस NF1 की वैल्यू मान लीजिए 10 है। अगर मैं 10 में +1 करूं और -1 करूं, तो 10 वुड बिकम 11 और 12। सो आई एम डूइंग अ चेंज ओवर इट, दैट्स कॉल्ड डेल्टा। जब मैं चेंज करता हूं NF1 को,
तो उसके वजह से मेरा जो आउटपुट है, टारगेट वेरिएबल है, वो कितना चेंज होता है। एक बार और सुनिए सेम चीज NF2 के मुताबिक। आप NF2 को अगर वेरी करते हैं तो उसको वेरी करने से आपका आउटपुट या टारगेट वेरिएबल कितना चेंज होता है, या चेंज होता भी है या नहीं। अगर चेंज होता है तो ऑब्वियसली देयर इज अ वेरिएंस फैक्टर ऑफ द आउटपुट विद रिस्पेक्ट टू NF1। अगर यहां पर भी आउटपुट चेंज होता है तो उसका मतलब देयर इज अ वेरिएंस फैक्टर विद रिस्पेक्ट टू दिस। अब वो वेरिएंस को आप मेजर कर लो। सपोज इनको वेरिएंसेस इनका, सपोज हाँ, पहले वाले का वेरिएंस आया हमको 0.2, दूसरे वाले का वेरिएंस हमको आया 0.1, और सिमिलरली ये सब स्टेप्स रिपीट हो जाएंगे यहां पर, और वेरिएंस फॉर द लास्ट फीचर, रिमेंबर मैं अजम्पशंस ले रहा हूं, जस्ट एन अप्रोक्सीमेशन वैल्यूज, यहां पर मुझे आया लेट्स से 0.7, और जो भी वैल्यूज यहां बीच में आई हुई है, मैं मान के चलता हूं कि उन सब की वैल्यू इज लेस देन 0.05। तो जब आप पीसे यूज करते हो तो आप स्पेसिफाई करते हो कि आपको कितने प्रिंसिपल कंपोनेंट चाहिए। प्रिंसिपल कंपोनेंट्स का मतलब होता है ऐसे इनपुट फीचर्स जिनका इन्फ्लुएंस, जिनको चेंज करने पर आउटपुट ज्यादा चेंज होता है, मतलब उनका इन्फ्लुएंस आउटपुट पर अच्छा खासा है, तो ऐसे कंपोनेंट्स आपको शॉर्टलिस्ट करने। तो कल अगर आपने लिखा कि आप पीसीए का ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हो और नंबर ऑफ कंपोनेंट्स 2 देना चाहते हो, तो पीसीए विल सेलेक्ट 2 बेस्ट कंपोनेंट्स। देख के बताइए मुझे जरा बोर्ड से, यहां पर कौन से है 2 बेस्ट कंपोनेंट्स। सही सोचा आपने, एक NF1 है क्योंकि इसका इन्फ्लुएंस 0.2 है, मतलब 20%, और दूसरा NF10 है जिसका इन्फ्लुएंस, ओ माय गॉड, काफी ज्यादा है ये तो, 70%। तो 20% एंड 70% हो गया 90%, मतलब इन दोनों को भी अगर आपने डेटा सेट में रखा तो आप 90% का वेरिएंस एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि इन दोनों को वेरी करने पर आपका आउटपुट चेंज होता है। ये सारा मैथमेटिक्स जो है पीसीए में कंप्लीटली इनकैप्सुलेटेड है, मतलब पीसीए में प्री कोडेड है। हम केवल इसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं और डेटा सेट पर उसको अप्लाई करते हैं, राइट। आप जानते हो कि हमारे सारे जो वीडियोस हैं वो हमारे जुपिटर कोलैब नोटबुक्स के हिस्से हैं। अब इस कॉन्सेप्ट को जो आपने यहां समझा है, कुछ केस स्टडीज के जरिए हम लोग ने उनको डिफरेंट डेटा सेट्स पर अप्लाई किया है और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके आपको दिखाया है आपके हमारे कोलैब के नोटबुक में। सो हैप्पी लर्निंग फ्रॉम अस। प्लीज हमें सब्सक्राइब और सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।